से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, राजस्थान के बीकानेर में वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया है। एयरक्राफ्ट में मौजूद पायलट समय रहते निकल गए थे और सुरक्षित हैं। इस हादसे में कोई हताहत की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। इस विमान ने नल एयरबेस से उड़ान भरी थी। प्लेन अपनी रूटीन गश्त पर था। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने धुआं और धूल के गुबार के साथ दो पायलटों को पैराशूट से नीचे उतरते हुए देखा था। बीकानेर जिला के कलेक्टर ने हादसे की पुष्टि करते हुए मौके पर राहत और बचाव दल पहुंचाने की बात कही है। हालांकि वायुसेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब MiG-21 क्रैश हुआ है। हाल ही में POK में एयर स्ट्राइक के बाद पड़ोसी मुल्क के लड़ाकू विमान को MiG-21 ने ही ढेर किया था। MiG-21 बाइसन के हमले के बाद पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान LOC के पास POK में ढेर हुआ था। SPN9 न्यूज से नेहा की रिपोर्ट।